हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम निकल रहे हैं पतरासु की ओर। बैग पैक हो चुका है, बारिश फिर से हो गई है तेज़। मेन रोड तक पहुंचते हैं, फिर करते हैं कहीं पे स्टे। मेरे को लेना है रेनी कोट, पेट्रोल डलाना है। चलो, बारिश हो रही, मज़ा आएगा। मैंने जूते अपने नॉर्मल डाले हैं, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब निकल रहे हैं, मेन रोड पर आ गए हैं। यहाँ से पतरातू शायद मेरे हिसाब से 40 या 45 किलोमीटर है। अभी पूछते हैं एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं है। तो ये है रांची का कांके चौराहा या कांके रोड, रातू रोड उधर है, कांके डैम सामने है। तो चलो सबसे पहले पूछते भैया, पतरातू पतरातू किधर से जाएंगे? इधर से बिल्कुल सीधा। ओके थैंक यू। अच्छा रेनकोट कहाँ मिलेगा? अच्छा ओके थैंक यू। ये पता था इधर से अपन जाएंगे, इधर तो रेनकोट ही लेते हैं कहीं भी जहाँ तक जाएगा। बारिश काफ़ी तेज हो गई है। ये है क्या? नहीं तो बारिश में इंटरसेप्टर का अलग ही मज़ा है, और बारिश में चलने का रोड रे पे अलग ही आनंद है। तो ये मेरा पहला शॉट होगा। ओके बच्चों को यहाँ देखो, बस में कैसी ग्रिल है ये पूरी। बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे सर नहीं निकाल सकते, एंड मान लो कभी कोई राइड टाइप का हो गया तो कोई पत्थर फेंक के बच्चों पे लगेगा भी नहीं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। अभी कहीं जगह देख के रुकते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तक यहाँ मिल जाना चाहिए, देखते हैं अंकल के पास है या नहीं। अंकल रेनकोट मिल जाएगा और नीचे का लोअर दोनों मिल जाएगा? नहीं, एक लोअर भी आता है अलग से। अलग वाला तो नहीं है। हाँ हाँ दो है, के साथ। तो कितने का है? इसे कम में लीजिएगा 360 रुपये का पड़ेगा। हाँ उससे ज़्यादा है तो फिर 460-450। दिखा दिए तीनों, दिखा दिए जो भी रेंज है आपके पास। आइएगा थोड़ा ना? ब्लू कलर दे दीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ब्लू ब्लू हाँ ये कलर ठीक है। फिर भी ये भिगेंगे तो नहीं सर कपड़े? नहीं पाएंगे क्योंकि पतला है। A few inches later. चलो थैंक यू अंकल, नमस्ते। भूल तो नहीं रहा हूँ, हेलमेट है जी अंकल? अरे हाँ चलो, मैं तो भूल ही गया, ये भी ले जाना है जो मेन है उसी पे छोड़ दे। अरे नहीं चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंकल, नमस्ते। तो मैंने रेनकोट तो ले लिया है, अंकल ने ये 50 का दिया है, तो ये सोच रहे हैं ये जैकेट है भैया को पहना दूंगा। एंड अब मस्ती से चलते हैं, जूते भीगेंगे कोई गम नहीं, बस पैंट नहीं भीगनी चाहिए एंड शर्ट नहीं भीगना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ है, टैंक फुल कराते हैं, फिर आगे का मोबाइल है, फिर आगे का काम करते हैं। तो रेनकोट ले लिया है और निकलते हैं पतरातू की ओर। कोई नहीं आ रहा, सबसे पहले पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, उसे टैंक फुल कराते हैं। दस्ताने पड़े हैं मेरे पास बट मैंने पहने नहीं है अभी, मेरे को लग नहीं रहा कि दस्ताना पहनना है या नहीं। शूज गीले हो जाएंगे, मेरे को नहीं खलता। हाथ पहले तो ये रोड है, ये है मौसम,
बहुत ही शानदार मौसम है रांची का तो, और ये रूट भी पतरातू का बहुत ही बढ़िया रूट है। और यहाँ से एक बार होम्योपैथी की दवा दी थी अंकल जी ने, तो मेरे को एक्सपायरी दी थी लास्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम आए थे, छुट्टी हुई थी, तो मिल गया पेट्रोल पम्प। अब चलते हैं पेट्रोल पम्प पे अपनी गाड़ी की पेट पूजा के लिए। ओ तेरी, पेट्रोल नहीं है इनके पास, अब कहाँ जाएगा अपन, वहाँ तक है भी कि नहीं है पता नहीं मेरे को, देखते कहाँ तक जाती है गाड़ी। क्योंकि गाड़ी मैंने कुल्लू मिला करके तीन 2500 रुपये का पेट्रोल लगा मेरे को इंटरसेप्टर से कानपुर से और यहाँ तक आने में रांची में। बारिश तेज़ हो गई है, अब मेरे को गम नहीं है क्या भीगता है क्या नहीं भीगता, अब तो कच्चा भी भीग गया है, कोई गम नहीं। देखिएगा नहीं यार सरीजन है ना, वेरी गुड साइड वाला, कितना सुंदर है आप देखोगे, ग्रीनरी चारों तरफ है। ये छोटे छोटे कछार होते हैं, मतलब बरसाती नदी या नाला जिसको आप बोल सकते हो, तो बहुत प्यारा है लोकेशन है और बहुत प्यारी हर चीज़ है, मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है रांची। और रांची के लोग बहुत मीठे हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं और अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव बहुत है। अभी जैसे ही कोई पेट्रोल पंप आता है तो फिर पेट्रोल डलाते हैं, फिर उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन। भैया मेरा हाथ तरफ जो भी मैंने काम नहीं किया, इतना फिट तो होना ही चाहिए कि दारू पी करके बदतमीजी करना ये बर्दाश्त है, दारू पीना कोई बात नहीं, दारू पी के बदतमीजी करना ऊपर से दारू पीटी करना वो कहा बर्दाश्त है, किसी का बर्दाश्त नहीं है। Oh shit. भैया पेट्रोल पंप है इधर कहीं पे आगे है? अच्छा ओके, थैंक यू। आगे 1 किलोमीटर पे है, मेरी टेंशन बढ़ गया क्योंकि बिल्कुल क्लीन कर रहा है रंग, आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं है पेट्रोल, तो मेरा किसी से यही। हमको 2 सब्सक्राइबर मिले, दो बंदे मिले, आपका नाम? रोहन कुमार। रोहन भैया? राजू मिश्रा। राजू भैया दो लोग मिले, बहुत ही मस्त बंदे हैं, दोनों साथ जा रहे हैं पतरातू, तो आगे पीछे बाइक करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू, आप दोनों ने सब्सक्राइब किया चैनल मेरा, थैंक यू। और वो भैया भी हैं मस्त बिल्कुल। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लेन में, हमारे साथ 2 बंदे पीछे और आ रहे हैं, और राहुल मिश्रा नाम बताया था मैंने, राजू मिश्रा है, राहुल मिश्रा बहुत अच्छे बंदे हैं, बोले सब साथ भी चलिएगा, चलते हैं साथ में। तो बस निकल लिए और घाटी जैसे स्टार्ट होती है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे अपन, तब तक के लिए बाय बाय। आप देख सकते हो सामने छोटी सी पहाड़ी है और इसी तरीके से वैली स्टार्ट हो गई अपन की, पतरातू वैली से उतर के नीचे भी पड़ता है और वहाँ पे वाटरफॉल भी है एंड डैम भी है, ये देखिएगा कितना बढ़िया साफ सुथरा है, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर पतरातू में। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लोकेशन है।
पीछे डर के मारे हालत ख़राब हो गई है कि पेट्रोल पम्प है नहीं, पीछे पेट्रोल पम्प नहीं है, मिले वो बंद था और ये पेट्रोल पम्प शायद चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर के लिए पास हुआ कहीं पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बारिश तो बहुत तगड़े से हो रही है, बहुत ही मस्त आनंद है कपड़ा चुके और रोड का। तो देख रहे हैं कट कहाँ है भैया, आप कट हो रात मिली, अभी दूंगी तब होगी एक पेट्रोल पंप आगे और मिलेगा यहाँ से जब वापस जाएंगे। पहली बार कर रहा हूँ रॉयल फील्ड पे अपनी बाइक पे, और वैसे भी बाइक स्कूटी या कुछ भी हो लेकिन मैं पहली राइड है ये मेरी अब तक की। तो पेट्रोल डलाते हैं फिर बात करते हैं। इधर ही आए, इधर ही एक सेकंड रुकेगा, टाइम फुल हो जाएगा ना। पार्ट से पेमेंट दे रहे हैं तो फुल पे खोलिएगा। कड़ी चढ़ाएंगे? हाँ कड़ी चढ़ाएंगे, कड़ी चढ़ाएंगे, हाँ चढ़ा दी फुल पे चढ़ा दी। हाँ वो 30 पैसे वाले चक्कर, वो स्टार्टिंग का 30 पैसे ही हुआ है शायद से। अच्छा कहाँ से हो आप? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर? हाँ जी। कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया, मगर इधर के लोग उधर जाते तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, घाटी का नज़ारा देख लिया ना? हाँ घाटी का नज़ारा, घाटी का नहीं जा रहा हूँ, पतरा तू जा रहा हूँ अभी। हाँ सब तरफ पे हर तरह के लोग हैं, कोई वो नहीं है मतलब। नहीं भैया मगर ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा भी है ना, क्या नाम है, वो हमसे भी बदतमीजी करते हैं तो क्या करोगे आप, यहाँ जा रहे हो किसी से टकरा जाओगे तो ऐसे है, लोग हैं। अपने जगह जगह हम सब सही है, सब जगह है अपने सही है, हम सही हैं क्या करना। चलो अच्छा लगा मिलकर आपसे। आ गया ठीक है, ठीक बस। चलो अभी आता हूँ, कैश करता हूँ आपको रास्ते में, मशीन ले आइएगा। टैंक फुल हो गया 1103। नमस्ते, तो पेट्रोल फुल हो गया है और भैया बहुत अच्छे से बात किया इन्होंने, और अब हमें क्या राउंड साइड करना पड़ेगा। इधर कट कितने किलोमीटर पे है यार, कट कितने भी किलोमीटर पे हो, आदित्य सिंह ने कभी भी आज तक ये दिन मैंने कभी रॉन्ग टायर नहीं चल दिया, रॉन्ग टायर में चला अपन। देखो जहाँ क्या है बाहर आया है, यहीं पे मेरे को कट मिल गया है और मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं हुआ होगा। अगर मैं कह रहा हूँ हो भी क्या तो भी क्या दिक्कत है, और अगर ये 4 किलोमीटर ही पड़ता ना मैं उल्टी दिशा में गाड़ी नहीं चलाता। अब इसके लिए मेरे को 200 रुपये का नुकसान होता है, चाहे 500 रुपये का। अंकल प्लीज़ निकल जाओ, थैंक यू, धन्यवाद, अंकड़े वेलकम।
वो देखिए कैसे धुआं धुआं बादल दिख रहे हैं सामने, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत प्यारा। यहाँ पे थोड़ा संभल के आने वाला है क्योंकि यहाँ हैवी व्हीकल्स है, ऐसे बार आयरन बार लेके जाते हैं ये लोग, तो फिर इसको मेल्ट वेल्ट करके फिर उसके बाद में इनसे स्टील की चादरें बनती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो ये बार ले जाते हैं तो इसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है हाईवे पे, तो इसको क्रॉस करके। तो अभी तो ये कम दिखते हैं रात के टाइम पर, ये देखिए ये सब यहाँ पे देखो व्यू पॉइंट है, रिवर्स पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाके पे फूड के स्टॉल्स जो से लगते हैं, चाय के स्टॉल, फ्रूट के स्टॉल, जैसे नारियल पानी का। तो ये है यहाँ का बेसिकली बेसिक लुक है यहाँ का, आप देख सकते हो। देखो हैंडक्राफ्ट बेस्ड हैं, हाथ से बने हुए। तो ये है यहाँ पर रुक करके आप देख सकते हो वैली का, ये पूरा पतरातू है यहाँ से। चलते हैं नीचे, ये स्टॉल्स हैं, ये रोड जा रही है नीचे। चाय वाय भी मिल रही है, आई लव पतरातू वैली। ये सबसे टर्न पे सबसे खतरनाक पॉइंट होते हैं, लोग यहीं पे खड़े रहते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं इधर से आगे, तो ये खतरनाक पॉइंट है। हालांकि पुलिस मना भी करती है यहाँ पे खड़े होने के लिए, तो ऐसे टाइम जब वो लोग आते हैं कॉप्स आते हैं तो ये लोग थोड़ा सा हाइड हो जाते हैं। तो ये है वैली, और अगर थोड़ा सा भी अगर होगा अभी देखिए कितना सुंदर व्यू है। वो देखिए व्यू, वो देखिए लेक है वहाँ, पतरातू का डैम है, बहुत बड़ा डैम है, बारिश के टाइम पर काफ़ी बड़ा इसका डायमीटर हो चुका है। तो हम यहाँ 2 मिनट रुकते हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश करते हैं। तो ये है व्यू, ये पेड़ आ गए, वो प्रोजेक्ट लग रहा है सामने, तो उसको तो चले निकलते हैं, नीचे पहुंचते हैं प्रोजेक्ट का। अगर होगा तो डैम पे भी चलेंगे, डैम का भी लुक बहुत अच्छा है। गाड़ी आ रही है, बड़ा ही मस्त नज़ारा है। अभी ने बाइक स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि बादल लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर निकल रहे हैं ये बादल, नहीं पे रेलिंग पड़ी। तो जब हम पतरातू आते हैं तो ये मिडवे लगता है, और खाना काफ़ी किफ़ायती है यहाँ का, और काफ़ी टेस्टी भी है एंड वैरायटीज़ भी बहुत हैं। तो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट हमें यही लगता है, एंड एक आगे और है।
से अगर थोड़ा चीप रेस्टोरेंट है क्वालिटी, लेकिन खाने में कोई कमी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ब्यूटी, देखिए बादल नीचे तक हैं, नीचे तक धुंध। इधर देखिए पूरा खाली है, पूरा हरियाली है। टूट गई है, नहीं है आगे में। बंद है, कोई नहीं, वैसे कोई दुकान थी। दादी चाय मिल जाएगी, एक कार पार्किंग है डैम में, ऊपर जाने का रास्ता है पिकनिक स्पॉट। चाय पीता फिर चलता। दादी एक चाय दे दीजिएगा हल्की मीठी। चुके हैं और हम नितिन भाई को ले चुके हैं, पीछे बैठे हैं आराम से। तो अब निकल रहे हैं वापस से डैम की ओर। हाँ ऑन हो गया, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये शॉट ले रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यही जिंदगी का आनंद है। अच्छा तो लड़के जाते हैं तभी वहीं से चढ़ते हैं वो। आइया आइए अब चलेंगे। नहीं ऊपर ले, आइए। हाँ स्टैंड ना, स्टैंड अगर गियर पे होगी ना स्टार्ट नहीं होगी। चलो तो यहाँ चलो आ रहे हैं पीछे से। सब लोग यहाँ से डैम के लिए चढ़ने के लिए यार आकर घूम रहे हैं। तो ये कच्ची रोड नहीं है, सैनी है रोड, आधी कच्ची आधी पक्की। ये डैम है सतराजू का, बारिश बोल रही है, आ रही है और हमने भी आज ठान लिया है कि आज पानी कितना भी हो
चला गए डैम पे, क्यों जा सकते हैं? ये हम डैम पे आ चुके हैं, ये देखिए व्यू, देखिए ये डैम का व्यू है। ये देखो लोग फिशिंग कर रहे हैं, आइए फोटो लेते हैं आपकी। हाँ हो गया, मोबाइल भीग गया, भीग गया, हाँ भीग रहा। तो कहाँ से लेना है? मैंने तुम्हारा डाला था, उसको पकड़ो, कहीं ये डाली पहले तो भीग जाएगा। आइए आप भी इसे लेने लगाएं। अरे यार ठीक है, एक मिनट बाद देखो मेरे को क्या तुरंत क्या यहीं से बैक करते हैं। हमने कुछ नहीं देखा, अब हम लोग निकल रहे हैं डैम से यहाँ से, तो वापस हो गए, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।